नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो गया है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। और सुबह की सबसे ताजा तरीन खबर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज प्रदेश के चरामा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और सुबह की अगली खबर भारत सिंगापुर के बीच होने वाले युद्धाभ्यास को लेकर आ रही है, जहां भारत और सिंगापुर में नौसेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास सिमवैक्स आज से अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में शुरू हो रहा है। और सुबह की अगली खबर सीबीआई को लेकर आ रही है, जहां सीबीआई में चल रही उठापटक के बीच आज से सीबीआई में आर्ट ऑफ लिविंग का 3 दिवसीय वर्कशॉप शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान 150 से ज्यादा सीबीआई अधिकारी वर्कशॉप में शामिल होंगे। इस वर्कशॉप के जरिए अधिकारी जीवन और नौकरी में पॉजिटिविटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और सुबह की अगली खबर योगी आदित्यनाथ को लेकर आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और सुबह की अगली खबर टीपू सुल्तान की जयंती को लेकर आ रही है, जहां कर्नाटक में कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग की ओर से आज टीपू सुल्तान की जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। और सुबह की अगली खबर प्रदूषण को लेकर आ रही है, जहां दिल्ली में प्रदूषण की विकट स्थिति के बीच दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि अगर दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति नहीं सुधरती है तो दिल्ली में फिर से एक बार ऑड इवन फार्मूला लागू किया जाएगा। और सुबह की अगली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के खिलाफ ताल ठोक चुके कंप्यूटर बाबा कल रीवा में संतों से मुलाकात कर भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। और सुबह की अगली खबर PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को लेकर आ रही है, जहां भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी ने भारत सरकार के प्रत्यर्पण से बचने के लिए एंटीगुआ सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। आपको बता दें कि एंटीगुआ के कानून के मुताबिक उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है, जबकि चौकसी ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए एंटीगुआ की नागरिकता ली है। और सुबह की अगली खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के सीएम रमन सिंह ने चौथी बार छत्तीसगढ़ में अपनी वापसी पर भरोसा जताते हुए कहा कि हम इस बार भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। और सुबह की अगली खबर सिग्नेचर ब्रिज विवाद को लेकर आ रही है, जहां दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज विवाद मामले में भाजपा सांसद मनोज तिवारी द्वारा आप विधायक के खिलाफ शिकायत करने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत पर मनोज तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। और सुबह की अगली खबर बिहार के पटना से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में NDA में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अपने साथ हो रहे पक्षपात को लेकर बड़ा बयान देते हुए केंद्रीय मंत्री एवं रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारे साथ हो रहे सौतेले व्यवहार से मैं बेहद आहत हूं। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि NDA में सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय बिना मेरे से बातचीत किए हुए नहीं लिया जा सकता। और सुबह की अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को तगड़ा झटका देते हुए टिकट नहीं मिलने से नाराज सतनामी समाज के गुरु बालदास अपने बेटे के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और सुबह की अगली खबर बक्सर से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि नोटबंदी के 2 साल पूरे होने पर आज बक्सर जिला कांग्रेस कमेटी ने काला दिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तथागत हर्षवर्धन ने नोटबंदी को भाजपा का काला कानून बताया। और सुबह की अगली खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि राजगढ़ जिला मुख्यालय पर भाजपा के उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म भरवाने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया और अब उसके नेता कहते हैं कि गुस्सा आता है, उनके गुस्से का हमें क्या करना है। और सुबह की अगली खबर उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि योगी सरकार द्वारा शहर तथा स्थानों के नाम बदलने के बीच अब भाजपा विधायक संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर करने की मांग की है। तो ये थी सुबह की ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।